हमारे जो चौकीदार के काम है वो दो महीनों से यानी तीन महीनों से हम खुद अंजाम दे रहे हैं। गेट की ड्यूटी करना है और दूसरे सफाई वगैरह के जितने इंतजाम हैं वो हम खुद कर रहे हैं। जी मेरा नाम आयशा खान है, मैं इस कोश्त में रहती हूँ। ये जो ज़मीन में स्कूल बनाया हुकूमत ने, ये इसमें जो पोस्ट आया ये मेरे भाई का है और हम इसको देंगे ये, और किसी का हक नहीं यहाँ पे, और हम मरेंगे लेकिन ये किसी को नहीं देंगे। मैं इस कोश्त में रहने वाली हूँ, जो ये स्कूल बनाए ये हमारे ज़मीन पर बनाए और हम इसके पैसे भी नहीं लिया है, हम हुकूमत को ऐसे दिया है। हमें ये नौकरी चाहिए, ये मेरे भाई का हक है, हम किसी और को इधर आने नहीं देंगे। हम जब तक ये हल नहीं होगा इसमें नारा करेंगे, अपनी जान भी दे देंगे। मेरा नाम सैफ अहमद है, वालिद का नाम शमसुल कादिर है और मेरे वालिद ने ज़मीन दिया था सरकारी इमारत के लिए, स्कूल के लिए, और उसके बाद मेरा अब 10 साल नौकरी करके पेंशन हो गया है। और उसके बाद मुझसे इंटरव्यू भी लिया गया है और उसके बाद मुझे नहीं दिया गया है, और किसी और एजाज उलानी नाम था, मेरे हक उसको दिया गया है। लिहाजा हम इधर एहतजाज कर रहे हैं और ये 10 तारीख तक कायम रहेगा, उसके बाद हम स्कूल भी बंद करेंगे और अपने बच्चों को उसको EGO और MPA ने वर्दी की है। मैं मोहम्मद यूनुस खान, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एहतजाज हो रहा है, ये हाजी शमसुकादिर की ज़मीन पर बहुत पहले 20 साल पहले स्कूल की इमारत तामीर हुई थी, जिसमें उसकी मुलाजिमत थी। उसकी रिटायरमेंट के बाद ये कानूनी भी हक बनता है और अखलाकी भी हक बनता है कि इस जगह उसका बेटा अपॉइंटमेंट हो, लेकिन महकमे एजुकेशन की बदनवानी और इकराब परवरी और MPA की करस्तानियों से ये मसला ये गंभीर होता जा रहा है। और इस वक्त सैफ अहमद शमसुकादिर के बेटे की जगह किसी दूसरे शख्स को यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये वालिदैन अभी एहतजाज पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद भी ये एहतजाज जारी रहेगा। एजुकेशन ऑफिस के सामने धरने देने का फैसला किया है और ये फैसला भी हुआ है कि लोग अपने बच्चों को ये स्कूल से बाइकाट करा देंगे, यहाँ से उनका अखराज कर लेंगे और दूसरे स्कूलों में उसके अपॉइंटमेंट कर दाखिला कर लेंगे।